हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग कुछ टूटे हुए कप्स, DIY है ये कुछ टूटे हुए कप्स हैं मेरे पास। जैसे ये इसका ऊपर का ये टूट गया है, ये टूट गया है, चिप ऑफ हो गया है। तो ऐसे टूटे कप्स को मैं बिना खोल के इसमें कुछ प्लांट करेंगे, और क्या क्या प्लांट कर सकते हैं मैं वो भी बताऊँगी। और ये दिखाती हूँ मैं कि मैंने क्या क्या ऑलरेडी लगा रखा है। ये देखिए, एक ये कप एंड सॉसर है, ये देखिए ये कप है, यहाँ से पूरा टूट गया था ये कप। ये तो ऐसी कंटेनर है, ये इसमें रखा हुआ है। ये देखिए एक ये है, इसमें वॉन्डरिंग जू लगा हुआ है। ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जिनकी रूट्स बहुत हैवी नहीं होंगी, बहुत शैलो होंगी, और बहुत ईजी टू ग्रो होगा, और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक मैंने ये लगाया है, एक ये वेरीगेटेड कैलंकोई है, ये मैंने विंटर्स में लगाया था, और इसमें भी होल नहीं है, ये यहाँ तक खंगर से भरा है, ऊपर पॉटिंग सॉइल है, और रीज़न भी बताऊंगी सब ये करने का। इसमें भी होल नहीं है, देखिए इसमें होल नहीं है, प्लेन है एकदम। तो ये वेरीगेटेड कैलंकोई है, इसमें भी बहुत कम पानी चाहिए होता है, ये एक सर्क्यूलेंट है। और ये एक और एक कप है, कॉफ़ी कप है, ये कहाँ है, ये देखिए, दिस इज़ सो प्रिटी। ये एक कैफ़े कप है, और इसमें मैंने कैलिसिया फ्रेग्रेंस लगाया हुआ है। छोटा सा पीस लगाया था, इतना सा। ये देखिए, इसको ऐसे प्रोपोगेट हो जाता है यहाँ से। एक मैंने ये बनाया हुआ है, ये भी उसी के मैंने दो एक पेयर में खरीदा था। ये भी देखिए, ये है सेम कंटेनर है, बिना होल के है, और इसमें मैंने लगाया है टर्टल वाइन। ये 20th मार्च को लगाया था, और आज 10th जून है, देखिए कितना ग्रो कर गया है। तो अब इसमें हम लोग, इसमें देखिए ड्रेनेज होल नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे ताकि इसमें रूट रॉट ना हो, और पानी रुक के रूट्स में ना आ जाए। अगर रूट पानी में रहेगी तो वो गल जाती है। तो क्या करेंगे, कैसे वाटर करेंगे, कैसे प्लांट्स लेंगे, आइए चलिए देखते हैं। ये देखिए, एक मेरे पास मैंने सोचा है, एक तो मैं जेड लगाऊंगी, एक में सिंपल जेड है, तो जेड की कटिंग ले लेते हैं हम लोग, और मैं जेड को कटिंग लगाने का तरीका भी बताऊंगी। कुछ स्टेम्स अच्छी सी ले लेते हैं हम लोग, थोड़ी थिक, बहुत थिन नहीं। ये एक तो ये ले लेते हैं, और यहाँ से लेते हैं ये वाली, ले लेते हैं ये, ले लेते हैं, आई थिंक इतनी एनफ होगी। ये हम लोग ने कटिंग ले ली जेड की। हम लोग को एक और लेना है पड़ेगा प्लांट, तो मैंने एक सोचा है ये हवाथिया लेंगे। ये हवाथिया दिखाने के लिए मैंने ये रखा हुआ है, ये ऐसा लगेगा देखने में। ये भी मैंने उसी कंटेनर में से लिया है जिसमें से अभी लूंगी, वो कंटेनर की भी स्टोरी बताती हूँ, आइए। ये मेरा कंटेनर 20 ईयर्स के करीब तो हो ही चुके होंगे, उससे ऊपर ही हो गए होंगे। ये देखिए कितने हवाथियाँ हैं, और ये उसी कंटेनर में है, मैंने इसमें ना रिपोर्ट किया, कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट इनिशियली तो मैं इसमें कुछ फर्टिलाइजर भी नहीं डालती थी, क्योंकि बहुत आइडिया नहीं था गार्डनिंग का, वो तो बाद में हुआ है। तो ये तब से मेरे पास है, तो इसको निकालती हूँ मैं, एक बहुत केयरफुली निकालूंगी, और ये भर भी जाएगा। देखिए ये बाहर निकला हुआ है, इसको निकाल लेते हैं, ये केयरफुली निकालूंगी, एकदम मन नहीं करता निकालने का, क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट लगता है मेरे को। ये देखिए, यहां से मैंने लिया है, अब यहां एक और ग्रो कर जाएगा। तो हम लोग ये दोनों प्लांट्स लेके आए, इसमें पप्स भी आ रहे हैं, देखिए
ये पप्पी आ रहा है, तो दो प्लांट हो गए। आइए चलिए शुरू करते हैं। और इसको क्या करेंगे, इसके नीचे हम लोग कुछ खंगर, मैं इसमें आज लकड़ी का कोयला डाल रही हूँ, वो चाकुल, ताकि नीचे तक अगर पानी एक्स्ट्रा होता है तो इनमें रहे पानी, मिट्टी क्लीन रहे, मिट्टी ड्रेन रहे और पानी इसमें आ जाए। और इसका एडवांटेज है कि ये वैसे फंगल इन्फेक्शन से बचाता है और ये कुछ न्यूट्रिशन भी देता रहता है प्लांट्स को। तो आइए ये नीचे भर देते हैं, ताकि हम लोग के नीचे, रूट्स के नीचे हम लोग का रूट्स टच ना करें पानी से, पानी जो स्पॉटिंग सॉइल हो वो वेल ड्रेन्ड रहे। ये देखिए मैंने कितना सारा भर दिया है। ये देखिए इतना तो भर ही दिया है। अब बाकी में मैं ये पॉटिंग सॉइल लेके आई हूँ, ये भर दूंगी। इसमें मैंने खूब सारा फंगीसाइड डाला है। और ये पॉटिंग सॉइल में ये जो दिख रहा है, ये मैंने परलाइट लिया है इसको लाइट करने के लिए, एरेटेड रहे ताकि रूट्स, इसका बहुत पर्पस होता है एरेशन का, तो ये मैंने लिया हुआ है। और साथ में मैंने लिया है फंगीसाइड और कोकोपीट लिया, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा, और गार्डन सॉइल और सैंड। मैं लिख भी दूंगी, फंगीसाइड ज़रूर डालिएगा, अगर रह जाता है तो उसको पानी में भी डाल सकते हैं। ये देखिए ये इसकी कुछ स्टेम्स जो थोड़ी सूखी हैं, इनको मैं निकाल देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। कितना प्रिटी लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल। ये देखिए दो पप्स है, एक ये छोटा सा पप है ये वाला, और एक ये वाला, एक ये एक ये। तो किस में लगाऊं, येलो वाले में लगाऊं, इसमें? इसके रूट्स देखिए कितनी शैलो है। थोड़ी पॉटिंग सॉइल के लिए ये भी लाई हूं मैं। आप इनके लिए जो भी आप सर्कुलेंट के लिए बनाते हैं ना पॉटिंग सॉइल, वो यूज कर सकते हैं। हवाथिया में कम डलता पानी, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। अंडर वाटरिंग से ये जी जाता है, ओवर वाटरिंग से ये मर जाता है। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है। अब आप इसको ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं पॉट। अब इसमें मैं पानी आराम से डालूंगी, मैंने फंगीसाइड डाला हुआ है तो मैं इसमें फंगीसाइड नहीं डाल रही हूं। बस अब एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे जाके इसमें कोल में, जो लकड़ी का कोयला लिया है उसमें जाके बैठ जाएगा। और ये जो मड है, पॉटिंग सॉइल है, ये एकदम वेल ड्रेन रहेगी। बस अब इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जेड की जब आप पॉटिंग करते हैं तब क्या करेंगे। कुछ नीचे के मैं ये निकाल रही हूँ, ये बहुत लेंथी है, इसको है। और स्टे टिल द एंड, इसमें बताऊंगी जेड में मेन चीज क्या है जब आप पॉटिंग करते हैं। तो वैसे ये इतना इजीली लगता है कि अगर इसमें आपने इतना पीस भी लग जाता है, अगर आपने इसमें आपने अगर रूटिंग हम नहीं है नहीं डाला तब भी लग जाता है, मगर मैं लगा देती हूँ। पॉटिंग हो चुकी है और ये हवाथिया की पॉटिंग हो चुकी है, दोनों कप्स में, कॉफी कप्स में। और ये देखिए कॉफी कप है ये, और ये दोनों कॉफी कप्स हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो मैंने पानी डाल दिया है, इसमें 3-4 दिन तक के लिए पानी नहीं डालेंगे। इसमें जो जेड में 2-3-4 दिन बाद इसको वाटर करेंगे, और मैं किसी दिन कम्युनिटी में भी इसको अपलोड करके दिखा दूंगी इसका अपडेट क्या है। तो इसमें इसमें तो पानी 3-4 दिन बाद मैं अपने आप डालती रहूंगी, थोड़ा 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 करके, थोड़ा मतलब कि ओवरफुल ना हो, ऊपर से ना निकले, नीचे हो, सेटल हो जाए, ज़्यादा अगर आ जाता है। अगर आप
फंगीसाइड डालना भूल जाते हैं पॉटिंग सॉइल में, तो क्या कर सकते हैं कि जब आप वाटरिंग करेंगे किसी भी प्लांट में, ये देखिए ब्लू कलर का बन गया फंगीसाइड, कई कलर के आते हैं, ये मैंने वेवस्टीन लिया हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि पानी इसमें मैंने डाला हुआ है, थोड़ा सा इसमें ये देखिए ये पानी डाल दिया, तो इससे फंगीसाइड आ गया इसमें और ये रॉट नहीं होगा, रूट रॉट नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो ब्रोकन कॉफी कप्स को कैसे यूज करके इसके लिए कंटेनर बनाए, इसको यूज करें कंटेनर के जैसे विदाउट होल, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब।